नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुप्ता आपका ग्रेटर झील के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आपका आज परिचय कराने जा रहा हूं प्रांजल सैनी से। प्रांजल सैनी हमारे 5 टॉपर में थी गेट 2020 के। गेट 2020 में अपने यहाँ से AIR 4, 9, 10, 30 और 22, मतलब टॉप 25 में या 22 में अपने यहाँ से 5 स्टूडेंट्स थे, उसमें से प्रांजल थी। प्रांजल, बहुत बहुत स्वागत है। बताएं, गेट की जर्नी आपकी कैसी रही, गेट की स्कूलिंग की, कॉलेज की कैसी जर्नी रही? हाँ, तो मैंने जो है 11 12th अपना होम टाउन से किया था, विदिशा से। तो मुझे कहीं ना कहीं जेई के बाद ऐसा लगा कि मैं प्रॉपर अपने 100% एफर्ट और प्रॉपर रिसोर्सेज मुझे नहीं मिल पाए। तो जैसे ही मैं फर्स्ट ईयर में आई थी, तभी से मैंने डिसाइड कर लिया था कि क्योंकि IIT में जाने से सबका ऑलमोस्ट बहुत सारे बच्चे होता है, तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जाना है। तो उसके लिए एक ऑप्शन था गेट। तो फर्स्ट ईयर से ही मेरा था दिमाग में कि हाँ, गेट में तो अच्छे से अपना 100% देना ही है। तो फिर यहाँ कॉलेज आके इवन मैंने फर्स्ट सेकंड ईयर में भी मैंने रिसर्च की थी कि गेट सीएस में क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं क्या। तो जैसे जैसे कॉलेज में आते थे गेट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स, तो मैं उनको अच्छे से ही करती थी। फर्स्ट सेकंड ईयर में भी बुक से पढ़ लेती थी। फिर उसके बाद पता चला यहाँ गेटेड जील के बारे में, तो थर्ड ईयर से मैंने ज्वाइन करी थी कोचिंग, और फिर 2 साल मैंने मैम से पढ़ा है यहाँ पर। और मेरे फाइनल ईयर के साथ साथ मैंने गेट का भी दिया था एग्जाम। तो फर्स्ट टाइम ही हो गया था क्लियर। तो उसके बाद मैंने IIT बॉम्बे तो IIT बॉम्बे और IIC दो एक बड़ा एक कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है कि आपको AIR 22 थी तो आपको दोनों मिल सकते थे, या अपन बोले कि इंडिया में कोई भी कॉलेज चाहे तो आपको मिल सकता था, तो थोड़ा सा ऐसा क्यों चूज किया IIT बॉम्बे? इसके IIT बॉम्बे और IIC दोनों ही बहुत प्रीमियम इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन एक पहला रीज़न तो ये था कि मेरे को हमेशा से IIT बॉम्बे से कुछ अलग एकदम अटैचमेंट सा था, क्योंकि मैं सेकंड ईयर में भी गई थी मोरिंडेगो में IIT बॉम्बे, 5 दिन रुकी थी मैं वहाँ रुकी। उस तभी मैंने पूरा इमेजिन कर लिया था कि मुझे यहाँ पे आना है, उसी से मोटिवेशन आया था गेट में और ज़्यादा अच्छा करने का। तो एक पर्सनल अटैचमेंट था IIT बॉम्बे से। उसके बाद जब मेरा हो गया तो दोनों ऑप्शन थे, तो उसके बाद मैंने फिर दोनों जगह के सीनियर से बात करी और खुद से भी रिसर्च करा इंटरनेट पे, तो दोनों के कोर्सेज देखे। तो IIT बॉम्बे के कोर्सेज मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे थे मेरे इंटरेस्ट के हिसाब से, तो फिर इसलिए मैंने IIT बॉम्बे चूज किया। IIT बॉम्बे में कैसा रहा, मतलब 1.5 साल हो गया है हमारा IIT बॉम्बे में। IIT बॉम्बे के 3 सेमेस्टर ऑनलाइन कोरोना के कारण सब इफेक्ट ले गए, तो किस तरह का सफर रहा मतलब IIT बॉम्बे में 1.5 साल में? IIT बॉम्बे का जैसे ही फर्स्ट टाइम में आई, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पूछ लिया उसके बाद में चालू। तो IIT बॉम्बे जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, फर्स्ट सेम से ही सब कुछ बहुत चैलेंजिंग था यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम टॉप के स्टूडेंट्स थे साथ में, और बहुत सारे तो इवन जॉब करके आए थे। तो ऐसा जब मैं गई थी तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, सबको बहुत शेड्यूल भी हेक्टिक। तो वहाँ पे कोर्सेज में अपने पास चॉइस रहती है आपको जो लेना है, लेकिन मैंने बैलेंस मेंटेन करने के लिए डिफिकल्ट कोर्सेज के लिए इजीली लिए, तो हेक्टिक शेड्यूल तो था, और फिर बहुत सारी डेडलाइंस होती थी, कभी ये असाइनमेंट देना है कभी ये असाइनमेंट, और ये सब कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था इसके पहले। तो उसको कोपअप करने में और वो सीखने में कि आपको कैसे मैनेज करना है इतना टाइट शेड्यूल है, उसके बाद भी कैसे सब पे अच्छे से ध्यान देना, वो मैंने यहाँ जाके सीखा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये थोड़ा सा इजी इसलिए हो गया क्योंकि साथ में एक गेटेड जील वाले बहुत, मतलब अराउंड 4-5 लोग थे हम हमारे बैच में, तो एक ग्रुप बन गया था साथ के कॉलेज के भी, इवन जिनके साथ 4 साल की जर्नी की वो भी साथ में वहाँ पे थे, पहले से फ्रेंड्स थे, तो एक ग्रुप बन गया वहाँ पे। और साथ में एक और जो बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट मुझे लगा कि सीनियर्स का बहुत सपोर्ट था, तो गेटेड जिम से अगेन 4-5 सीनियर्स थे वहाँ पे हमारे साथ, तो उनसे कभी भी मतलब शुरू से ही कनेक्टेड थी मैं सीनियर से, कि कोर्सेज देने के टाइम इवन कॉलेज, फिर बोलूँगा इवन कॉलेज के भी सीनियर थे, कॉलेज के भी सीनियर थे, तो वही कि कोर्सेज लेने कभी भी कुछ भी डाउट आता था तो उनसे पूछ लिया कि कोर्सेज कैसे सिलेक्ट करने हैं, फिर प्लेसमेंट की कैसे तैयारी करनी है, तो हमेशा उनने सपोर्ट किया, तो फिर ईजी हो गया उसका। तो
यहाँ से कॉलेज का प्लेसमेंट, मतलब ग्रेजुएशन के प्लेसमेंट से IIT बॉम्बे के प्लेसमेंट जिसमें एप्पल में आपका सिलेक्शन हुआ है, तो कैसी रही जर्नी, क्या क्या चीज़ें प्रिपरेशन के लिए क्या क्या तैयारियाँ की और क्या क्या चीज़ें ध्यान रखी जो हम एप्पल पहले दिन ही, मेरे ख्याल से एप्पल पहले दिन ही आती है तो जीरो डे है ना, डे वन में हुआ, तो क्या क्या चीज़ें, मतलब तैयारी किस तरह से रही है? तो ग्रेजुएशन में तो प्लेसमेंट में बैठी नहीं थी। अच्छा, नहीं बैठी। हाँ, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन मतलब हुआ था, घर पे भी हुआ था, क्योंकि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा लग रहा था कि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है प्लेसमेंट में नहीं बैठना, लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स सपोर्टिव थे कि जो भी तुमने डिसीजन लिया ठीक है। तो फिर मैंने नहीं बैठी थी मैं प्लेसमेंट में, मैंने पूरा गेट पे फोकस किया था मेरे फाइनल ईयर में भी। और अगर मैं यहाँ IIT बॉम्बे में बात करती हूँ प्लेसमेंट की, तो यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे सीनियर से भी पता चला कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यहाँ पर, तो और वो मैंने कभी नहीं करी थी पहले, मतलब 4 साल में। अच्छा, मतलब यहाँ पर जब तक इंजीनियरिंग रही, ग्रेजुएशन रहा, तब तक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग को हाथ नहीं लगाया। वहाँ पर कब लगाया? वहाँ पे जैसे ही एडमिशन हुआ उसके बाद से ही मैंने। अच्छा, चालू कर दिया, मतलब गेट के रिजल्ट के बाद में चालू कर दिया सर? गेट के रिजल्ट के भी एक महीने बाद। हाँ, तो वहाँ पे आके मैंने तैयारी चालू करी। मुझे मतलब ये तो पता था कि मैं अच्छा कर सकती हूँ उसमें, लेकिन पहले कभी करा नहीं था, तो फिर मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट्स वहाँ पे देने पड़े। और एक तो ये था, बाकी तो थ्रू आउट मैंने दो चीज़ों पे फोकस किया, एक तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अच्छी करी अपनी और वो हो गई थी रिसेंट, मैंने इतना एफर्ट दिया था हो गई। दूसरा मैंने अपना कोर्सेज ऐसे सिलेक्ट करे कि मतलब रेज्यूमे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो, तो दूसरा इस पर फोकस किया था। और एक चीज़ और ये थी कि जब प्लेसमेंट इंटरव्यूज पास आ रहे थे तो मुझे ये समझ आया कि खुद पे मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि क्वेश्चंस मुझे बन जाएंगे, लेकिन ये था कि इंटरव्यू के लिए मैं उतना प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि मैंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं था लाइफ में पहले, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट डालने थे। और एक चीज़ जिस पर मुझे ज़्यादा वर्क करना पड़ा वो ये कि कैसे आपने जो भी आप सोच रहे हो अप्रोच वो कैसे किसी के सामने एक्सप्रेस करनी है, वहाँ पर मैं थोड़ा स्ट्रगल करती थी, तो फिर उसके लिए मैंने और ज़्यादा मतलब वीडियो ऑन कर देती थी और फिर अपना ऐसे ही खुद से ट्राई करती थी। अच्छा, मतलब अच्छा, तो वहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट डाले अपने, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि सामने वाला आपको कैसे समझ पा रहे, क्या वो कितना आता है, वो आप जितना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे उतना अच्छा रहेगा। अच्छा, प्लेसमेंट में कौन कौन सी चीज़ें इम्प्रूव हुई जैसे आपने बोला कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के अलावा, और क्या चीज़ थी जो प्लेसमेंट के लिए करनी पड़ी? इसके अलावा वही प्रोजेक्ट्स जो कोर्सेज थे मतलब और हाँ गेट के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी काम आते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, तो प्लेसमेंट के पहले मैंने मैम के जो भी सारे नोट्स मैंने जो बनाए थे गेट के टाइम पे उनको रिवाइज किया अच्छे से। अभी तक है? हाँ, नोट्स मैंने तो बहुत संभाल के रखे। और उसके अलावा एप्टीट्यूड वगैरह का कुछ पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता? कुछ कंपनीज में रिटर्न में एप्टीट्यूड होता था और जितना थोड़ा बहुत गेट में दिया था उतना सफिशियंट था, अलग से कुछ मैंने ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाए एप्टीट्यूड में नहीं लगाए। बाकी और जो आपका रेज्यूमे होता है उसको भी प्रिपेयर करना रहता है इंटरव्यू के पहले कि जो जो आपने रेज्यूमे में लिखा है वो आना चाहिए अच्छे से, तो वो सारे कुछ प्रोजेक्ट पहले भी कर रखे थे तो उनको रिकॉल करके अच्छे से सारे पॉइंट्स रखना दिमाग में वो किया। अच्छा, एप्पल के इंटरव्यू में क्या पूछा? एप्पल के इंटरव्यू में एक कोडिंग क्वेश्चन था, 3 राउंड हुए थे, तो पहले कोडिंग क्वेश्चन पूछा था एक, और जो सेकंड राउंड था उसमें थोड़े से गेट के सब्जेक्ट्स पूछे थे, BBMS से कुछ क्वेश्चन पूछे थे, और बाकी HR क्वेश्चन भी काफ़ी सारे, मतलब कि आप कैसे डील करोगे, कैसे आप सिचुएशंस को हैंडल करोगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे थे, और बाकी फाइनल राउंड भी HR था, तो यही था। अच्छा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं था? हाँ, ज़्यादा नहीं, मतलब एक प्रोग्राम कितना था, एक ही था प्रोग्राम? हाँ, फर्स्ट राउंड में एक कोडिंग उसके बाद में थोड़ा टेक्निकल HR और फिर उसके बाद में HR। हाँ, अच्छा, एप्पल में मतलब ये रहा इस तरह से। कुछ अपने जूनियर्स को बोलना चाहोगे कि किस तरह से प्रिपरेशन करें, कुछ ऐसा पॉइंट जो आपको लगता है कि इट विल बी बेनिफिशियल फॉर देयर प्रिपरेशन, और कुछ कॉस मतलब वो चीज़ मतलब कॉशंस की चीज़ें कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको अगर करियर में हाई जाना?
मुझे जो लगता है कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और जिसने मुझे हमेशा हेल्प किया है अच्छा करने में, वो ये है कि खुद पे बिलीव करना. हाँ. क्योंकि बहुत मतलब बहुत सारे टाइम पे ऐसे सिचुएशन आती है जहाँ पे फॉर एग्जांपल टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे हैं या प्लेसमेंट में टेस्ट अच्छे नहीं जा रहे हैं तो मोरल डाउन होता है. हाँ. तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे लिए था वो खुद पे बिलीव रखना. हाँ. कि हाँ आप कर सकते हो. हाँ. और उसी ने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि मैं ये सब अचीव कर पाई. तो मैं सबको बस यही बोलना चाहूँगी कि बस आपको खुद पे बिलीव रखना है और कंसिस्टेंट रहना है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कुछ किया नहीं जा सकता. हाँ, ऐसा गोल गोल हाई रखो. हाँ, गोल हाई रखो और अपना काम करते हैं. हाँ, मतलब ऐसा नहीं कोई सर्टेन टाइप ऑफ चीजें हैं जो बस यही लोग कर सकते हैं. ऐसा नहीं होता है. सभी लोग कर सकते हैं. सभी लोग कर सकते हैं. जैसा प्रांजल ने बोला कि एप्पल के इंटरव्यू के दौरान उनको हेल्प मिली गेटेड जील के नोट्स, तो मैं भी आपको बोलूँगा कि इफ़ यू वॉन्ट द नोट्स ऑफ द गेटेड जी, जस्ट यू हैव टू डाउनलोड द ऐप. वहाँ पर आपको गूगल ड्राइव की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं. प्रांजल, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए और भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी ओर से. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू प्रांजल.